हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, दो दिन पहले लिस्ट हुई कंपनी अदानी विल्मर के यहाँ ऊपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखा जाए तो जिनको भी यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है उन सभी को यहाँ पे ये कंपनी लगातार यहाँ पे लॉटरी ही यहाँ पे दे रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि अलॉटमेंट वाले जो यहाँ पे रिस्क लेके चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनको उनका रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि आज भी इस कंपनी में यहाँ पे हम लोगों को 20% की अपर सर्किट ही यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसा कि मैंने कल के दिन आप लोगों को इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे पहले ही यहाँ पे बताया हुआ था। आप चाहें तो कल के मेरे वीडियोस को उस वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे बातें जो चल रही है कि इस कंपनी का कल का जो टारगेट है वो क्या रहना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि क्या अभी इस लेवल पे इस कंपनी को यहाँ पे फ्रेश बाय हम लोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो देखा जाए तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब कल के दिन वाले वीडियो में भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपको मैं कुछ सवालों के आपके यहाँ पे जवाब दे दूँ, जैसे कि फ्रेश बाय हम यहाँ पे इस कंपनी में कर सकते हैं या नहीं, विथ रीज़न यहाँ पे मैं आपको जवाब दूंगा, जिसके लिए यहाँ पे हम लोग फिर से अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पे आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2021 एंड यहाँ पे 6 मंथ का डाटा है। ये दोनों जो डाटा है वो साल साल भर का है एंड यहाँ पे 6 मंथ का डाटा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सीधा यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट पे अगर दिखाएं तो आप देख सकते हैं मेरे भाई कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पहले 4600 था, देन 21 में आप देखिए 2021 में यहाँ पे हम लोगों को कितना बड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं कि जो 6 मंथ का डाटा है इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर देखा जाए तो इस वाले जो फिगर है उससे ही ज्यादा ही इसका फिगर हम लोगों को आते हुए देखने को मिलेगा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे हमारी अच्छी देखने को मिल रही है, ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे जो भी लोग, ठीक है, अगर इस कंपनी में फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी आप चाहे तो इस कंपनी को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं इन कंडीशन अगर आप लोग यहाँ पे फ्रेश बाय कंपनी में करते हैं तो आपके पास एक सपोर्ट ये रहेगा कि कंपनी हमारी अच्छी देखने को मिल रही है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग देखने को मिल रही है। सो अगर इसमें गिरावट आ जाता है तो ये कंपनी आपको बाउंस बैक कर आपके जो आपके जो पैसे होंगे उसको यहाँ पे रिटर्न्स कर सकती है एंड अच्छा खासा रिटर्न्स भी यहाँ पे दे सकती है। इतना इस कंपनी में हम लोगों को मादा देखने को मिल रहा है। सो फ्रेश बाय से रिलेटेड यहाँ पे मैं फिर से कह दूँ कि आप अगर चाहें तो इस लेवल पे भी इस कंपनी को फ्रेश बाय कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। और एंड अभी तो 2 ही दिन इसको लिस्ट हुए देखने को मिल रहा है, तो आराम से बेझिझक यहाँ पे बाय कीजिए, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों अभी आते हैं कल के टारगेट के ऊपर कि कल का जो टारगेट है वो यहाँ पे क्या रहना चाहिए इस कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। सो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग दोनों ही वे से चलते हैं, एक पॉजिटिव वे एंड दूसरा नेगेटिव वे। तो पॉजिटिव वे में अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो कल ये कंपनी हम लोगों को यहाँ पे 360 या उससे ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकती है, जिसकी चांसेस यहाँ पे पूरी देखने को मिल रही है। एंड नेगेटिव वे में अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों तो ये कंपनी 280 तक यहाँ पे जा सकती है। अगर इस कंपनी में गिरावट आई तो ये 280 तक हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल जाएगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कल का जो हमारा टारगेट है वो आप लोगों के यहाँ पे सामने है कि पॉजिटिव वे में रहा 360 के ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड नेगेटिव वे में रहा तो 280 तक ये जाते हुए देखने को मिलेगी। 280 से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो टारगेट है वो अभी आपके सामने यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। सो कल के दिन से रिलेटेड एंड अगर आप लोगों इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आराम से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। सो देखा जाए तो इस कंपनी से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब आपको दे दिए गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।